प्रकाशन का ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में 2 साल पेपर मिलेंगे और यहाँ पर टोटल आपके 3250 आपके प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लेकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे और इसके बाद आपके टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जो जिससे आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन में 50 प्रश्न आपको हिंदी के मिलेंगे और इसके बाद 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के मिलेंगे, इसके बाद 50 प्रश्न यानी आपके GKGS यानी कह सकते हैं टोटल आपके यहाँ पर 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपकी कंप्लीट तैयारी आपके यहाँ पर हो सकती है वीडियो एग्जाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते पर हैं। देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी है ना, शॉर्टकट हमने बताया था, यहां लिख दे रहे हैं KTMDOE यानी कंठ में के से ये टी से क्या आएगा, तालब, ये का वर्ग है, ये कौन सा चा वर्ग है, तो चा छा किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, हाँ मूर्धन्य दंत और ओष्ठ, ये क्रम है KTMDO का से लेकर ये पावर के तक के हमने आपको बता दिया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, जिनका भी जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण हमने बहुत बार बताया है, अल्प प्राण यानी यहाँ पर ऑड नंबर आते हैं, ऑड नंबर हमारे 1, 3 और 5 होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला तीसरा पांचवा, देखिए का के बाद ये खाता है तो ये तो हो नहीं सकता है, चा छा जा झा या, हाँ यहाँ पर सेकेंड नंबर का बी नंबर सही बैठ रहा है, ये बैठ गया तो बाकी आपको कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, यही बार आप टिक कर देना है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए, लिखा हुआ है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का, हाँ उसे कहते हैं युग्मक ध्वनियां कहते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, हाँ यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है अंक और आहा है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहां पे भी होगा। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है ना, दंत ध्वनि कौन सी है, तो दंत की अगर हम बात करेंगे दंत ध्वनि कौन सी है तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा ला, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दंत वाला। यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है, 6 नंबर का देखिए जवाब देना है, शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है, वर्तनी से प्रश्न लिया गया है और 6 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं आशीर्वाद। अब देखिए आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद आपने गलत आंसर बता दिया, जबकि ये तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कहते थे आशीर्वाद लिख के दिखाइए है ना, और आशीर्वाद देखिए गलत आंसर दिया गया है, कितना दुख की बात है कि आप लोग आंसर गलत दिए हैं। हाँ 6 नंबर का देखिए, ये आशीर्वाद ए नंबर कहाँ से हो जाएगा, कैसे आप लोगों ने पढ़ाई की है, आशीर्वाद में ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ वा में लगता है इसमें नहीं लगता है, ये आरसीवाद लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आरसीवाद, आशीर्वाद हमने बोला है ना, तो ये आपका होता है ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए नहीं होगा सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न लिया है, 7 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वर्तनी का जवाब यहाँ पर देना है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 7 नंबर का यहाँ पर क्लेश है ना, क्लेश ऐसे ये वाला आपका सही है, हाँ 7 नंबर का देखो सही है, वर्तनी वाले प्रश्नों को विशेष ध्यान रखिए एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जवाब देना है।
हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, है ना, दौड़ बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, दौड़ आपका समूहवाचक में नहीं होगा, है ना। तो फिर बताइए दौड़ किस में आएगा, कौन सी संज्ञा में आएगा, है ना, ये कमेंट करके बताइए, भाववाचक में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, भाववाचक संज्ञा बताइए यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे पीछे आ गया है, 9 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बारीकी। बारीकी क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा में काउंट होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। हाँ नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, अब यहाँ पर बताइए उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का जवाब देना है, उत्तम पुरुष वाला आपको जोड़ा बताइए, 10 नंबर का यहाँ पर क्या होगा बताइए, 10 नंबर का। हाँ देखिए उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको आता है, ठीक है ना, तू, तुम्हें, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये आपका मध्यम पुरुष में आता है, वे, ये सब आपके अन्य पुरुष में आते हैं, जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। यहां पर देखिए आपको बताना, एक रोटी और दो वाक्य में और क्या है, चलिए यहां पर देखिए कमेंट करिए, लिखा हुआ है एक रोटी और दो वाक्य में और क्या है, यहां पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, और क्या है, और आपका विशेषण है, और क्या विशेषण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा, बहुत लोग 11 नंबर का ए मार रहे हैं, 11 नंबर कुछ लोग डी भी मार रहे हैं, है ना, यहाँ पर विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्नि का विशेषण क्या होगा, चलिए कमेंट करिए, 12 नंबर का अग्नि का विशेषण यहां पर बताया जा रहा है, अग्नि, जिनका भी जवाब अग्नि आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सरीखा शब्द में विशेषण क्या होगा, सरीखा शब्द में विशेषण क्या होगा, 13 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहां पर देखिए 13 नंबर का जवाब आ चुका है, यहां पर कह रहे हैं सरीखा, यहां पर गुणवाचक है ना, ये कौन से विशेषण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया बताइए यहाँ पर कौन सी है, चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना, अगर आपका जवाब आ रहा है लिखना तो समझ जाइए बिल्कुल सही है, लिखना आपकी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो गई, 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है उजाड़ना, 15 नंबर का देखिए बहुत लोग उजाड़ देना बता रहे हैं, उजाड़ देना नहीं उजाड़ना होगा, अब आप कहेंगे कैसे होगा, तो देखिए हमने कहा घोंसला उड़ गया, हमने कहा घोंसला उड़ गया, यहां लिख दे रहे हैं, हमने कहा घोंसला जो है उड़ गया, उड़ गया, ये कैसा है, ये आपका अकर्मक है, ये कैसा है आपका अकर्मक है, अब हमने कहा दिनेश ने पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया, जैसे हमने कहा उजाड़ दिया तो उजाड़ दिया यानी सकर्मक क्रिया, उजाड़ना होगा, उजाड़ देना नहीं उजाड़ना, ठीक है ना, थोड़ा देखिए अंतर है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो उजाड़ना वाला आपको लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया बताइए यहाँ पर क्या होगा, लड़का खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं, लड़की रोती है, किसान बोता है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, लड़की रोती है, यही आपका क्या है, ये आपका अकर्मक क्रिया, बाकी सब सकर्मक है। अगला प्रश्न बताइए, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, 17 नंबर बताइए, और यहाँ पर रात को अचानक वर्षा होने लगी कहीं ना कहीं ये टाइम से रिलेटेड है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर 17 नंबर का सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा आपके 14, ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 नंबर का सी होगा। भवानी शब्द का बताइए पुल्लिंग क्या होगा, यहां पर देखिए कमेंट करिए, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा,
भवानी का पुल्लिंग बताया जा रहा है। हाँ भवानी का बताइए जल्दी से, भवानी कह रहे हैं भगवान होता है, भवानी का पुल्लिंग भगवान होता है। अगर भवानी का पुल्लिंग अगर भगवान होता है तो बताइए भगवती का विलोम, ये भगवती का पुल्लिंग क्या होता है? भगवती का पुल्लिंग दोस्तों होता है भगवान, ये होता है भगवान। हमने भवानी का पूछा, भवानी का होता है भाव। हाँ बिल्कुल सही, 19 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ भगवती पूछते तब सही था आपका भगवान। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। स्त्रीलिंग बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सभा, सभा कैसा है आपका स्त्रीलिंग है। 20 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से, स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है, यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है सदैव, है ना, ऐसा कौन शब्द है? 21 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मकड़ी, बिल्कुल सही है, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बताइए, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आपका होगा अपादान कारक, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 22 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है ना, तत्सम देखिए पूछा गया है तत्सम, तो यहाँ पर बताया जा रहा है तत्सम शब्द यहाँ पर 23 नंबर का, देखिए काफी लोगों को जवाब आ गया है, बहुत लोग 23 नंबर का बी मार रहे हैं, कुछ लोग सी मार रहे हैं, है ना, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा 23 नंबर का, 23 नंबर का बताइए तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा। 23 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर होगा, अमूल्य, बिल्कुल सही बात है, ये तत्सम शब्द है। हमने कहा बताइए तद्भव इसका क्या होगा, तो तद्भव कहेंगे आप अमोल होता है, क्या होता है अमोल होता है, इसका तद्भव अमोल होता है। केला आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए क्या होता है, इसका तत्सम क्या होता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, केला का तत्सम क्या होता है, कदली होता है, क्या होता है कदली होता है, ये आपको याद रखना है कदली होता है। मछली का मत्स्य होता है, माँ का माता होता है, इसका तत्सम क्या होता है, माता होता है, ठीक है ना, इसका तत्सम माता होता है, माँ का, ठीक है, माता तत्व शब्द है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द यहाँ पर विदेशी भाषा का है, कौन सा भैया विदेशी भाषा का है बताइए, है ना, विदेशी भाषा का देखिए शब्द बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए आ गया 24 नंबर का, कह रहे हैं कबूतर, हाँ कबूतर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है ना, अखरोट, अखरोट बताइए, अखरोट पस्तो, है ना, 25 नंबर का आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से प्रणार्थक क्रिया कौन सी है, 26 नंबर का देखिए जवाब देना है, प्रणार्थक क्रिया की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, दिलाना, दिलाना क्या है आपका प्रणार्थक क्रिया होगा। अगला प्रश्न बताइए, विसर्ग संधि कौन सी है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है विसर्ग संधि कौन सी है। पहले विकल्प को ध्यान से देखिए, अगर निष्कर्म अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे नी प्लस कर्म होता है, नी प्लस कर्म होता है, इसका मतलब यही आपका विसर्ग संधि है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल सही जवाब जवाब है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। चलिए 28 नंबर का देखिए जवाब देना है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं, और 28 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है अव्यय भाव समास, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अनुरूप में बताइए कौन सा समास होगा, अनुरूप में कौन सा समास होगा, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, अनुरूप में समास कौन सा होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है अनुरूप में अव्यय भाव समास, बिल्कुल सही जवाब है, 29 नंबर का सी आपका सही है। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गोबर गणेश जो है किस समास का उदाहरण है, अगर आपका जवाब आ रहा है करण तत्पुरुष तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगला प्रश्न बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और यहाँ पर आ चुका है जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है,
हेम तरंगिनी बताया जा रहा है 1955 में मिला था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ 1955 में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है, कमेंट करिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। हाँ बिल्कुल सही है कवि रैदास जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है ना, बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राग दरबारी के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, राग दरबारी के लेखक हैं श्री लाल शुक्र, बिल्कुल सही जवाब है। और इन्हें 1969 में है ना, 1969 में याद रखिएगा, 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न बताइए, मुख्य टिप्पण क्या होता है, 34 नंबर का देखिए जवाब देना है, मुख्य टिप्पण क्या होता है। तो याद रखिएगा किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, ए नंबर ग्राम। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी जो है ग्राम प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर देखिए आपको बताइए, अशुद्ध मतलब तीन सही है एक तो गलत है, वही वाला बताना है। हाँ 36 नंबर का देखिए जवाब जल्दी से करिए, यहाँ पर क्या होगा, कह रहे बी नंबर। हाँ इसका होना चाहिए था आप हमारे घर कब आएंगे, आओगे नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये आपका रॉन्ग था। अगला प्रश्न बताइए, कुछ लोग ए भी मार रहे हैं 36 का, चलो कोई बात नहीं, बी नंबर सही है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए है ना, अब शुद्ध वाला बताइए यहाँ पर क्या होगा 37 नंबर में। 37 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा है ना, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 37 नंबर बहुत आसान प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, किसी गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आ चुका है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, इस मुहावरे का मतलब बताइए, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे को आपने बहुत बार सुना होगा है ना, बहुत बार सुना होगा, और इसका मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइए। 38 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, और यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए कम गुण वाला व्यक्ति जो होता है दिखावा बहुत करता है, जो व्यक्ति अगर उसके अंदर गुण कम है, कम पढ़ा लिखा है, तो अपने आप को दिखावा बहुत करता है, समझ जाओ अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत जो है उसके ऊपर पूरा पूरा बैठती है, ये हकीकत है, रियल है। अगला प्रश्न बताइए, आंखें फेरना मुहावरे का क्या मतलब होता है, आंखें फेरना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है पहले जैसा प्रेम न रखना है ना, आंखें फेरने का मतलब होता है पहले जैसे प्रेम न रखना। अगला प्रश्न बताइए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही मतलब क्या होता है, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है 40 नंबर का, देखिए बहुत ही स्पीड से जवाब दिया गया है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसा कर्म करोगे है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दिख गया आपको, यही आपका है मिश्र वाक्य, ये तो और लगा संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर बहुत लोग बी मार रहे हैं, बी वाले विशेष ध्यान रखिए, बी तुक्का उक्का मत मारिए, बी नहीं, यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो वो आपका होगा आक्रांत होगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ।
बिल्कुल सही जवाब है। अवनीश का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, संधि विच्छेद चैप्टर का प्रश्न है ये। अवनीश का संधि विच्छेद यहाँ पर होता है अवनी प्लस ईस होता है, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, अवनी प्लस ईस। नेक्स्ट प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? और जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, उरग होगा, उरग। अगला प्रश्न है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा? मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। अनु का अर्थ होता है, अनु का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। अनु का अर्थ क्या होता है जबकि अणु का अर्थ होता है कण, अणु होता है कण, तो आपको बताना है अनु क्या होता है, अनु का अर्थ क्या होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, 46 नंबर के यहाँ पर होता है अनु पीछे, बिल्कुल सही जवाब है, 46 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, केतु का पर्यायवाची क्या होगा? राहु केतु सुना होगा, गलती से राहु मत लगा दीजिए, है ना, केतु का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। सिंपल सा जवाब है, साधारण सा प्रश्न है, अब बताइए 47 का आंसर क्या होगा। केतु का पर्यायवाची, चलो कम से कम एक लोगों का आंसर आया है। केतु का पर्यायवाची होता है दोस्तों झंडा। क्या होता है? झंडा। अब कहोगे झंडा तो लिखा नहीं है, तो ध्वज तो लिखा है, ध्वज का मतलब होता है झंडा, ठीक है ना, ध्वज कहिए या झंडा कहिए बात एक ही है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? और जवाब आ चुका है 48 नंबर का, इसमें कोई शक नहीं है, सभी का आंसर देखो सही है, 47 का सभी का जवाब सही आया था। 48 नंबर बता दीजिए क्या होगा, 48 भी बता दिए हैं, वो अलग बात है कि बी वाले थोड़ा ध्यान दें, बी वाले गलत है, लेकिन बताया तो आप लोगों ने, कम से कम कोशिश तो की। अब एग्जाम में आएगा तो गलती से बी वाला मत मारिएगा। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द होता है आकाश वृत्ति होता है। क्या होता है? आकाश वृत्ति होता है, इसको आप दिमाग में छाप लीजिए, एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आपका होता है आकाश वृत्ति होता है। बिजली का बताइए पर्यायवाची क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या होगा? बिजली के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, एक तो है नहीं, बहुत है ना, बताइए यहां पर क्या होगा बिजली का? देखिए क्षण प्रभाव होता है, इलेक्ट्रिसिटी, घन प्रिया, ऐरावती, बहुत होते हैं, धारा मतलब गर्जन, ये बहुत होते हैं, सावधामिनी भी होता है ना, सावधामिनी भी होता है ना, बिल्कुल सही है। औपचारिक पत्र इनमें से कौन सा, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प आपका, कौन सा विकल्प नहीं होता है? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दो प्रकार के पत्र होते हैं। जो औपचारिक पत्र होता है ना उसमें अभिवादन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? अभिवादन नहीं होता है, बाकी सब होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा 50 नंबर का सी। और यहाँ पर देखिए हिंदी के टॉप 50 प्रश्न है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है आपको, हिंदी शब्द कोश में सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? तो यहाँ पर पहले आपका आएगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। देखिए काफी लोग आंसर यहाँ पर गलत हो चुका है ना, यहाँ पर एक बार देख लीजिए सभी लोग, यहाँ पर जो आंसर आप सभी का आ रहा है काफी लोगों गलत हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये जो आपका है ना, का के बाद आपका क्या आता है? सा आता है, तो छ, ये साथ ही छ बनता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिच लिखा हुआ ये पहले नंबर पे आएगा, ऋग्वेद आपका दूसरे नंबर पे आएगा, ये आपका तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, यहाँ पे आप सभी के सभी क्रम दे सकते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए सभी के सभी आप क्रम दे सकते हैं। यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी नंबर था आपका रिच, ठीक है ना, बी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा था यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसी टाइप में देखिए एक और प्रश्न हमने लिया है, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है शब्द कोश में कौन सा शब्द यहाँ पर पहले आएगा। देखिए यहाँ पर शब्द कोश में बताना है कौन सा शब्द आपका यहाँ पर पहले आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड नंबर का जवाब देना है, अगर पहला गलत हो गया तो कोई बात नहीं, है ना, सेकेंड नंबर का देखिए आपको जवाब देना है यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा,
छा जो था ना वो का के बाद ही तो आता है, इसलिए सही था। अब देखो सेकंड नंबर का देखिए, काफी लोगों का जवाब फिर से गलत हो गया है। सेकंड नंबर का देखिए, यहाँ पर जवाब फिर से गलत हो गया। यहाँ पे आंसर आपका आंख होगा, क्योंकि देखिए आंख जो होता है, आंख आंख के बाद क्या आता है, खा और आ आता है ना। यहाँ पर हम आपको क्रम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए आंख का जब आप करेंगे वर्ण वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ पर जो आपका होगा इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं है ना। वर्ण जब विच्छेद हम करते हैं, वर्ण विच्छेद है, तो आपका इस तरीके से होगा आंख का। तो पहले नंबर पे आपका आंख आएगा, फिर आँच आएगा, फिर आकर, फिर आग। यहाँ पर आप सभी के सभी वर्ण विच्छेद को देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं एग्जाम में। चलिए उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दोनों प्रश्न हमने उठाए थे, दोनों के दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का देखिए, यहाँ पर कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा युग्मक ध्वनिया, है ना, युग्मक ध्वनिया यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। जब एक ही ध्वनि का द्वित युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनिया कहलाती है। युग्मक ध्वनिया प्रायः शब्द के मध्य में आती है, याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द के मध्य में आती है। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनिया जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनिया कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, हाँ ना। ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है, अभी रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो संबल जो आपका है ये संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, संपृक्त, कहाँ पे है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। देखिए यहाँ पर जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सा और बा के मध्य में आपको मा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये संयुक्त ध्वनि है। सा और बा ध्वनियों के मध्य मा ध्वनि क्या संयुक्त हो रही है आपकी, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या, संबल में संबल, यहाँ पर संपर्क ध्वनि है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर है, बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है दंत ध्वनि कौन सी है। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ 5 नंबर का जवाब देखिए यहाँ पर आ गया है, हाँ बिल्कुल सही है, ला। ला किस में आता है आपका, दंत ध्वनि में आता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर प्रश्न आपका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए वर्तनी चैप्टर से प्रश्न था आपका ये, और यहाँ पर बताया जा रहा है 6 नंबर का बी नंबर, है ना, हिरण कश्यप, कश्यप बिल्कुल सही है। देखिए इसमें भी कुछ लोग सी वाला मार रहे हैं, हिरण हिरण कश्यप नहीं होता, हिरण कश्यप होता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? चलिए 7 नंबर का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग, निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। 7 नंबर का देखिए आपको बताना है, निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। 7 नंबर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और यहाँ पर कमेंट सभी लोग करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग 7 नंबर का बी मार रहे हैं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निश्चल नहीं है, निश्चल है, निश्चल जानते हैं ना, ऐसे लिखा हुआ है निश्चल, ये है निश्चल है ना। अगर हम आपसे पूछते कि निश्चल क्या है तो फिर आपका ये होता, निश्चल पूछा है तो ऑप्शन नंबर पहला होगा, विसर्ग संधि है ना, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा निश्चल है कि निश्चल है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का यहाँ पर बताइए कौन सी है, है ना, अशुद्ध वर्तनी बताइए। 8 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, चलिए कमेंट करते रहिए। 8 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, 8 नंबर का देखो यहाँ पर डी मार रहे हैं, सन्यासी, हाँ बिल्कुल सही है। सन्यासी कैसे लिखते हैं, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है ना, ये आपका क्या है, ये सन्यासी आपका सही, यहाँ पर बिंदी होती है ना कि आधा ना, तो ये आपका क्या था, अशुद्ध दिया गया था, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है।
संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, देखिए एक प्रश्न और आपका बनता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ व्युत्पत्ति तो नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है कि संज्ञा कुल कितने भेद होते हैं। आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए फिलहाल अभी 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं 5 होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 5 कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है, देख लीजिए यहाँ पे है ना, एक तो आपका यहाँ पर होता है व्यक्तिवाचक, क्या होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये टोटल 5 होते हैं। द्रव्यवाचक की बात करेंगे तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये उसके क्या बोलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, हाँ यौगिक और योगरूढ़, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर 4 नहीं 3 है आपके, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बताइए चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, 10 नंबर, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लीची किस भाषा का शब्द है। चलिए 11 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, लीची जो हमने कई बार कराया, लीची जो आपका ये चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का जवाब देना है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन की अगर हम बात करेंगे, नेपोलियन की बात करेंगे तो नेपोलियन जो है यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जातिवाचक, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, हाँ बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फिसलन है, यहाँ पर फिसलन है, फिसलन स्थान है, विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, फिसलन क्या है, फिसलन आपका क्या है, फिसलन आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका C नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गगन चुंबी में कौन सा समास समाहित है ना, 13 नंबर के बहुत लोग डी मार रहे थे, डी नहीं यहाँ पर आपका C नंबर है, गगन चुंबी में कौन सा समास समाहित है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, गगन को चूमने वाला अर्थात गगन चुंबी में क्या है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी के सभी क्या शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है, बताइए, मतलब सारे के सारे ऑप्शन आपके भाववाचक में होने चाहिए, अगर 2 हैं तीसरा नहीं है तो फिर नहीं काउंट करेंगे, यानी सारे के सारे विकल्प में आपके भाववाचक होने चाहिए। 15 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, देखिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये क्या आपके, ये आपके भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का जवाब देना है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, प्रभा खेतान, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, है ना, मनु भंडारी नहीं है, प्रभा खेतान है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, यहाँ पर देखिए अक्षर और शब्द की बात हो रही है, वाक्य की बात होती तो दोहरा उद्धरण है, यहाँ पर लगाएंगे इकहरा उद्धरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, समूहवाचक संज्ञा में आएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपके यहाँ पर शुद्ध है, अब देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है, राइट आंसर बताइए 19 नंबर का क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, लिखा हुआ सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए एक्स 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 है ना, ट्रिपल एक्स इस तरीके से लिखा हुआ है, रेखांकित चिन्ह बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, 20 नंबर, एक साथ लगातार लिखा हुआ है, कोई भी स्पेस नहीं है, इस तरीके के जब लिखा जाता है तो ये हमेशा आपको बताता है लोप सूचक चिन्ह, यह चिन्ह कौन सा है, लोप सूचक है ना, लोप सूचक है। अब जो लोग सी मार रहे हैं इस समाप्ति सूचक, तो समाप्ति सूचक में ऐसे अगर होता है डैश लगा होता है ये समाप्ति सूचक होगा, ठीक है ना, अगर एक ही साथ लिखा है तो वो आपका हमेशा लोप सूचक में होता है, थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं है ना, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक,
किस नंबर का बता रहे हैं? डी नंबर, बिल्कुल गलत आंसर दिया गया है। चार होते हैं, है ना, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा? एक तो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, सार्वनामिक विशेषण होता है आपका। दूसरा आपका गुणवाचक होता है। दूसरा क्या होता है आपका? गुणवाचक होता है। और इसके बाद संख्यावाचक होता है। तीसरे नंबर पे क्या है आपका? संख्यावाचक आपका है, ठीक है ना, संख्यावाचक है आपका। और जो चौथा होता है परिमाण, परिमाण बोधक है आपका। कौन सा है? परिमाण बोधक है, ठीक है ना, परिमाण बोधक है आपका, परिमाण बोधक। अब देखिए संख्यावाचक में भी दो कैटेगरी आपकी आती है, एक निश्चित हो गया एक अनिश्चित हो गया, ठीक है ना, निश्चित अनिश्चित हो गया। इसी प्रकार सार्वनामिक में भी दो कैटेगरी आपकी आते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, एक यौगिक होता है। एक मौलिक होता है, एक कौन सा होता है? यौगिक होता है। ये इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विशेषण, तो आंसर आपको लगाना ये वाले चार। वो इसकी कैटेगरी है वो अलग बात है, लेकिन आपको आंसर लगा के आना चार। ये दो एग्जामों में प्रश्न लगातार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए स्थान भरिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। विकल्प आपका भी सही होगा। निम्नलिखित में से बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए वर्तनी वाला प्रश्न आ गया है 23 नंबर। आनुषंगिक होता है कि आनुषंगिक होता है, बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा 23 नंबर का? हाँ बिल्कुल सही है, आनुषंगिक होता है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बताइए 24 नंबर का शुद्ध वाक्य क्या होगा? 24 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ गया, बताया जा रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यानी विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है लिखा हुआ, इसलिए नहीं होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें आपका विस्मयादि बोधक साइन नहीं लगा है सी नंबर में, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। एक युग में इसमें क्या है? अशुद्ध है, बताइए कौन सा युग अशुद्ध है? धूम धड़ाका की बात करेंगे, अनुकरणवाचक शब्द है। जूता क्या है? देशा शब्द है। औरत आपका बताया है, औरत आपका अरबी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए आंसर जो आपको यहाँ पर सी नंबर लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर का आपको जवाब देना है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जवाब आ गया, यहाँ पर दिलाना। दिलाना कैसा है? प्रेरणार्थक क्रिया में आ पाएगा। 26 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हवा कैसा शब्द है? 27 नंबर का देखिए कमेंट करना है, हवा कैसा शब्द है? तो हवा कैसा है आपका? ये संज्ञा शब्द है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अभी देखिए हमने बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, है ना। अभी जस्ट बताया था, कौन कौन से बताया था? एक तो आपका रूढ़ बताया था, एक योग रूढ़ बताया था यौगिक, है ना, और एक होता है योग रूढ़, ठीक है ना, योग रूढ़। यानी टोटल आपके कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, यहाँ पर जवाब आ गया है 29 नंबर का सी, बिल्कुल सही है। हाँ 29 नंबर का देखो सी नंबर बिल्कुल सही है, देखो काफ़ी लोग गलत हो गया। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं कितने है? आपके 4 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है स्थानवाचक, कौन सा होता है? स्थानवाचक होता है। इसके बाद आपका कालवाचक है, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? कालवाचक होता है। और इसके बाद परिमाणवाचक आपका होता है, फिर कौन सा होता है? परिमाणवाचक होता है। चौथा कौन सा है? चौथा आपका रीतिवाचक है, चौथा कौन सा है? रीतिवाचक है, ठीक है ना, चौथा आपका क्या? रीतिवाचक है। तो टोटल कितने हो गए? अब आप कहेंगे कि इसके देखो ये तो आपके सामान्यतः, अगर इसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया है, अब मान लो कह देता प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं,
अगर प्रयोग के आधार पर कह देते तो तीन ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन? साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। तो प्रयोग के आधार पर अगर पूछेगा क्रिया विशेषण, तीन प्रकार लगाइएगा, एक बार समझ लीजिए, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। रूप के आधार पर पूछेगा, अगर रूप के आधार पर पूछेगा तो भी आपको तीन ही बताना है। रूप के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक और कारण क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो चार हैं, परिमाणवाचक के आधार पर पूछेगा तो पाँच हैं। अगर जनरली ऐसे पूछ लेता है, कुछ भी कंडीशन नहीं लगाता, तो फिर आपको यही चार प्रकार के लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? है ना, यहाँ पर देखिए 30 नंबर का जवाब देना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका होगा तू, पहला ही विकल्प आपका है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? 31 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए विशेषण पद यहाँ पर क्या है? विशेषण पद देखिए आपको बताना है, उपासना, उद्धार, आयत, लोचना और वंदना। 32 नंबर का देखिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, 32 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है, आयत, लोचना, है ना, यही वाला क्या है आपका विशेषण पद है। बाकी उपासना, वंदना और उद्धार ये सब क्रियापद है, ठीक है ना, क्रियापद है। आयत लोचना का अर्थ होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली, ठीक है ना। अगला प्रश्न बताइए, इंद्रिय शब्द का यहाँ पर बताइए, इंद्रिय का विशेषण शब्द यहाँ पर क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण दोस्तों याद रखिएगा ऐन्द्रिय होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य टिप्पण क्या होता है? मुख्य टिप्पण क्या होता है आपको देखिए कमेंट करना है, तो ये होता क्या है, किसी सहायक या लिपिक के द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना हुआ है? चलिए बताइए घुड़दौड़ जो है किन दो पदों के योग से मिलकर बना हुआ है? हाँ इसका समाज विक्रय अगर करेंगे घुड़दौड़ का, तो आता है घोड़ों की दौड़, क्या आता है? घोड़ों की दौड़ होता है, और ये बना हुआ है घोड़ा और दौड़, है ना, घोड़ा और दौड़, विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर होगा, देख ले रहे हैं ए आ रहा है सभी का। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, 35 नंबर का ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, और कर्म किसमें नहीं है? पानी बरस रहा है, इसी में आपका कर्म नहीं है। बाकी यहाँ पर गेहूँ पिसवाता है, यानी गेहूँ हो गया, या निबंध हो गया मोमन को, है ना, ये सब कर्म है, बट इसमें कर्म नहीं है। जहाँ कर्ता और क्रिया होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ कर्ता क्रिया और साथ में कर्म होता है वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। मेरा बेटा हजारों में एक है वाक्य में हजारों क्या है? बताइए 37 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, मेरा बेटा हजारों में एक है वाक्य में हजारों क्या है? याद रखिएगा हजारों आपका अव्यय है। नहीं सही है 36 का डी कैसे हो जाएगा, है ना, डी नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 37 का डी होगा, बिल्कुल सही है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, है ना, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कमेंट करिए। 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत लोग यहाँ पे डी लगा रहे हैं, डी नहीं सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अव्यय कहते हैं, अव्यय बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द यहाँ पर कौन सा है? 40 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है बिना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या परिमाण बोधक अव्यय है? परिमाण बोधक देखिए यहाँ पर अव्यय बताना है, चार विकल्प हैं, कोई एक आंसर सही होगा। 41 का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है फलता, फलता कैसा है आपका परिमाण बोधक अव्यय है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मर्कट का बताइए पर्यायवाची है, मर्कट का पर्यायवाची क्या है? 42 नंबर का देखिए कमेंट करिए यहाँ पर क्या होगा, मर्कट कह रहे हैं बी नंबर बंदर, बिल्कुल सही जवाब है, है ना, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। अवनीश का देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, अवनीश का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा अवन प्लस ईस, क्या होगा, अवन प्लस ईस होगा, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपके यहाँ पर सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा?
छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? तो 44 नंबर का जवाब आ गया है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, पूरा बिल्कुल सही है। देखिए भुजंग का अर्थ होता है सांप, अकुरंग का अर्थ होता है हिरण, अतुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, है ना, तो उरा क्या है, सांप का पर्यायवाची तो है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सांप देखे होंगे छाती की बलि झेलता है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए, 45 नंबर का जवाब दीजिए, यहां पर क्या होगा? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अब्ज का अर्थ कमल होता है, बात सही है, तो इसी का समरूपी शब्द है अब्ध, अब्ध का अर्थ होता है बादल, 46 नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अंधायुग के रचनाकार कौन है? अंधायुग के रचनाकार बताइए, 47 का यहाँ पर जवाब आ गया है, धर्मवीर भारती बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, 47 का सी है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द यहाँ पर बताइए क्या है? अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? अन्य शब्दों के लिए एक शब्द है ये आकाश वृत्ति, हाँ बिल्कुल सही है, आकाश वृत्ति होता है, 48 नंबर का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है आपका वरिष्ठ से हमेशा कनिष्ठ को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प आपको देखने को नहीं मिलता है? औपचारिक पत्र जो होता है उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध क्या होता है, नहीं होता है, निजी संबंध जिनमें होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है, और इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों व सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय पता दिनांक का तो प्रयोग होता है, लेकिन अभिवादन का प्रयोग जो है नहीं होता है, अभिवादन, फिर अभिवादन का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप कहेंगे अभिवादन का प्रयोग तो अनौपचारिक पत्रों में होता है ना, अभिवादन का प्रयोग किस में होता है? अनौपचारिक पत्रों में होता है। तो 50 नंबर के यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है, किसी पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है, बताइए कौन सा पत्र लिखा जाता है, किस पत्र का प्रयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया, यहाँ पर बताया जा रहा है वैयक्तिक पत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना, इसी को आप अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अनौपचारिक पत्र का प्रकार है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड नंबर का जवाब देना है, यहाँ पर क्या होगा? अनौपचारिक पत्र का जो प्रकार है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो सेकेंड नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, ये सब आपके अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर देखिए तीन नंबर का आपको जवाब देना है, यहाँ पर जवाब आ गया, आप कह रहे हैं संभारक, बिल्कुल सही जवाब है, तो वो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, इधर हम क्वेश्चन पढ़े नहीं तब तक आपका ऑप्शन वहाँ पे टिक हो जाना चाहिए। बताइए सा जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए चार नंबर का जवाब देना है, चलिए चार नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए चार नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है तालब, तालु, है ना, बिल्कुल सही है, चार नंबर का देखो कुछ लोग इसमें दंत मार रहे हैं, साधन में आता है क्या? बताइए साधन में आता है क्या? दंत में कौन वाला सा आता है पता है आपको? ये वाला सा आता है, अगर ये सा लिखा होता तब दंत होता है, कौन सा सा ये भी देखिए तालु में आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए पाँच नंबर का देखिए जवाब देना है, पाँच नंबर का कमेंट करिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, पाँच नंबर आपकी स्क्रीन पे है और पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पाँच नंबर का यहाँ पर आपका कुमुदनी होता है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है, पाँच नंबर का बी है सभी का, हाँ छः नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तीर्ण कैसे लिखते हैं, छः नंबर का ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है।
स्वर संधि में किसका मेल होता है ना, आसान प्रश्न है। 7 नंबर में यहाँ पर देखिए जवाब देना है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्वर है ना, तो स्वरों का ही मेल होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद का यहाँ पर बताइए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर का कमेंट करिए, 8 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऋक् प्लस वेद, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गौशाला में कौन सा समास है, 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, 9 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, गौशाला, तो 9 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना, 9 9 का ए है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए इसी तरीके से आपके आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है पंचामृत में कौन सा समास है, चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पंचामृत में कौन सा समास है, हाँ यहाँ पर 5 अमृतों का समाहार, पंचामृत का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, 5 अमृतों का समाहार, यानी यहाँ पर आंसर होगा द्विगु समास, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आंसर 10 नंबर का कुछ लोग बी मार रहे थे क्या, 10 नंबर का डी है, बी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है, 11 नंबर, तो 11 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर, है ना, बिल्कुल सही है। 12 नंबर में बताइए बा उपसर्ग किसमें है, बा, बा से क्या होगा, बा से यहाँ पर बताया जा रहा है बदौलत, है ना, 12 नंबर का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर बताइए साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, साहित्य प्लस इक होता है, इक इक इसका मतलब विकल्प जाएगा ए ए नंबर के साथ, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 14 नंबर में देखिए आपको बताना है यहाँ पर आपका तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है, 4 विकल्प दिए गए हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है जो किसन लिखा हुआ है यही आपका तत्सम नहीं है, बाकी कट कर्क कृषका ये सब आपके तत्सम है, 14 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए 15 क्या होगा, तो तद्भव होता है श्रृंगार, इसका होता है तत्सम श्रृंगार, है ना, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 16 नंबर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम रूप है ना, 16 नंबर का देखिए यहाँ पर बताइए तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्र, यानी यहाँ पर तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, तत्सम रूप क्षेत्र होगा, 16 नंबर का ए नंबर, है ना, 16 नंबर का देख लीजिए सभी का ए आ रहा है, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप खेत होता है ना, खेत होता है। अगला प्रश्न बताइए, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुंचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, 18 नंबर का जवाब देना है, तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर सभा है मंडल है कक्षा है लेकिन खेल आपका नहीं होगा। हरियाली शब्द में बताइए कौन सी संज्ञा है, 19 नंबर का जवाब देना है हरियाली, हरियाली का होता है भाववाचक संज्ञा, 19 नंबर का सी होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है ना, यहाँ पर बताइए सर्वनाम, तो 20 नंबर का सिंपल जवाब है यहाँ पर क्या होगा, निश्चय होगा, वह एक बहुत अच्छा लड़का है निश्चय वाचक होगा। निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण बताइए 21 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर समुदाय वाचक विशेषण की बात हो रही है यहाँ पर होगा चारों, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर 21 नंबर का सी नंबर होगा। क्रिया बताइए यहाँ पर, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 22 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 22 का आ चुका है सीखती है, यही आपकी क्या है क्रिया है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, 23 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है कारणवाचक, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 23 नंबर का जिनका भी डी आ रहा है ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बहुत बार प्रश्न करवा चुके हैं, है ना, यहाँ पर बताइए अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, 14 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, 24 नंबर का, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है ना, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भागों में बांटा गया है, 24 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है 13, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का यहाँ पर बताइए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कामदेव का देखिए यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, 25 नंबर के यहाँ पर बी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है अनंग का,
कामगय, रतिनाद, ये सब आपके क्या है, कामदेव की पर्यायवाची होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तरकस का देखिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करिए। तरकस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जवाब आ गया, कह रहे निसंग होगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अपेक्षा का बताइए विलोम क्या होगा, अपेक्षा बहुत ही आसान है, 27 नंबर। अपेक्षा का होता है उपेक्षा होता है ना, उपेक्षा होता है। परमार्थ का देखिए बताइए विलोम क्या होगा, 28 नंबर। तो परमार्थ का होता है स्वार्थ, 28 नंबर का चेक कर लीजिए, सभी का ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 29 नंबर, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसका चेहरा क्रोध से क्या था, तप-तपा रहा था, तमतमा रहा था, जगमगा, क्रोध से कभी जगमगाता तो है नहीं, ये तो सरासर हो ही गया ही नहीं है ना, तमतमा रहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है, आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है अन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश यहाँ पर बताइए क्या होगा, 31 नंबर का जवाब देना है। तो देखिए अन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है, 33 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, दिनों का फेर होना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। तो 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, भाग्य का चक्कर होगा, यहाँ पर क्या होगा, भाग्य का चक्कर, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। नाक रगड़ना इसका बताइए मुहावरा क्या होता है, नाक रगड़ना इसका मुहावरे का मतलब क्या होता है, 34 नंबर का जवाब देना है। तो इसका मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करता, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ क्या होगा, बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं, 35 नंबर। तो इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब जो होता है चालाकी से देना, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरीके का वाक्य है, 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, उसने कहा कि लग गया ना, समझ जाइए मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, हाँ 36 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है, 37 नंबर का यहाँ पर बताइए, बहुत ही सिंपल है, एक ही क्रिया है तो कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। अलौकिक का देखिए यहाँ पर बताइए, वर्तनी वाले प्रश्न पूछ लिया गया है, अलौकिक का शुद्ध यहाँ पर क्या होगा, 38 नंबर का यहाँ पर बताइए, अलौकिक होता है कि अलौकिक होता है, ये होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, 39 नंबर का देखिए जवाब देना है, हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, शिला से हंसा भी नहीं जाता, शिला से चला भी नहीं जाता और शिला से हिला भी नहीं जाता, यहाँ पर कर्मवाच्य का होगा शिला से, है ना, यहाँ पर बताइए 39 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये क्या है, कर्मवाच्य है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कारक का चैप्टर से लिया गया है और ये होता है करण, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका उन्हें होगा, बिल्कुल सही जवाब है, 41 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका होगा, है ना, 41 नंबर का आपका ए डी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द यहाँ पर हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है ना, यहाँ पर देखिए बताइए, हरिणा, 42 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हरिणी होगा। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चलिए कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर 43 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, हस्ताक्षर है ना, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा, हाँ 44 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर, संभाव्य, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न है तो निपात के यहाँ पर आपका हो जाएगा करीब, है ना, करीब पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस सरल वाक्य में है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा, हाँ 46 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, है ना, यहाँ पर अशुद्धि है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहाँ पर पूछा गया था अशुद्धि किस वाक्य, देखिए सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सब तो सही है आपके, है ना, 46 नंबर का आपका ए नंबर होगा।
भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? यहाँ पर देखिए 47 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ 47 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, 14 नंबर 1949। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? 48 नंबर बताइए, ये आपकी पूर्वी हिंदी की है। कुछ लोगों को विश्वास है कि विश्वास है वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ 49 नंबर के यहाँ पर ए नंबर बताया जा रहा है, सम पीपल लिव, है ना? बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए रिड्यूसिंग आवर कंज्यूमरज में इज वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ 50 नंबर के यहाँ पर क्या होगा? हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है, ठीक है ना? अपने ही हित में है, इसका ये वाक्य होगा, क्योंकि ट्रांसलेट के भी प्रश्न आपके आते हैं। इसलिए देखिए ट्रांसलेट के भी प्रश्न आपको याद रखना है, इससे भी बनते हैं, है ना? वीडियो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो बहुत ही आसान प्रश्न था आज, तो आपके सभी के सभी मोस्टली सही होने चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।